आईपीएल में आज रविवार को डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। आज के दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों के बीच यह मैच चेन्नई के एमएस चिदंबरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों के बीच यह टूर्नामेंट में दूसरी भिड़ंत होगी। पहले मैच में चेन्नई ने जीत हासिल की थी। आईपीएल में अब तक चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें 27 बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें चेन्नई ने 18 और केकेआर ने 9 जीत अपने नाम की है। वहीं दोनों के बीच आज का मैच एमएस चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां दोनों टीमें 9 बार भिड़ चुकी हैं। इसमें चेन्नई ने 7 और कोलकाता ने सिर्फ 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। चेन्नई का स्टेडियम अब तक आईपीएल 2023 में लगभग एक हाई स्कोरिंग वेन्यू रहा है। हालांकि स्पिनर्स बीच के ओवरों में कामयाब हो सकते हैं। इस सीजन में अब तक पहले बैटिंग करने और रनों का पीछे करने वाली दोनों ही टीमों ने 3-3 मैच जीते हैं। हालांकि टॉस जीतकर कप्तान पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकते हैं। कोलकाता को इस सीजन अब तक खेले गए 12 मैचों में 6 में जीत और 7 में हार मिली है। टीम के पास 10 पॉइंट्स हैं। वहीं चेन्नई के खिलाफ टीम के 4 विदेशी खिलाड़ी जैसन रॉय, रमनुल्ला गुरबाज, आंद्रे रसल और सुनील नारायण हो सकते हैं। इनके अलावा वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह टीम के लिए शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं चेन्नई ने इस सीजन में अब तक 12 मैच खेले हैं, जिसमें उसे 7 में जीत और 4 मैचों में हार मिली है, जबकि एक मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा था। टीम के पास अभी 15 पॉइंट्स हैं। कोलकाता के खिलाफ टीम के 4 विदेशी खिलाड़ी डेविन कॉनवॉय, मोइन अली, महेश तीक्ष्णा और मिचेल सैंडर हो सकते हैं। मथीशा पतिराना एज ए इम्पैक्ट प्लेयर भी टीम में शामिल हो सकते हैं। इनके अलावा तुषार देशपांडे, ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आज के इस कड़े मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारती है।